बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्याज का रस निकाल कर बालों में लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। अगर बाल कमज़ोर हों तो प्याज का रस निकाल कर रोज़ाना रात को सोते वक़्त सर पर लगाएं। खाली पेट कभी भी ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल मत करो, इससे हार्ट अटैक का मसला हो सकता है। अगर कोई औरत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और वो अपने वज़न को बढ़ाना चाहती है तो वो केले ज़्यादा खाया करें या फिर आलू उबाल कर खाया करें। जो लोग हर वक़्त सोते रहते हैं उन पर मोटापा जल्दी हावी हो जाता है। अगर आपको मैदे की कमज़ोरी हो जाए तो सागुदाना एक कप दूध में पकाकर खा लें। इंशाल्लाह चंद दिनों में मैदे की कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। सब्ज़ कच्ची मिर्च खाने से बेनाई तेज़ होती है। अंगूर खाया करो, इससे दिमाग तेज़ होता है, इससे आपके दिमाग की ज़हानत में इजाफा होता है और यह जिस्म में बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ता है। नाज़रीन, नहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से दांत मज़बूत हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिज़क 7 नस्लों तक जाए तो रात को सोने से कबल इशा की नमाज के बाद वज़ू करके दरूद शरीफ पढ़कर या गनी पढ़ने का मामूल बना लें। लहसुन का रस नमक में डालकर पीने से पेट का दर्द ख़त्म हो जाता है। भिंडी का सालन इस्तेमाल करने से खून में शुगर की मकदार नहीं बढ़ती। जो बच्चे बचपन में बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं वो बड़े होकर तख्लीकी जहन के मालिक बनते हैं। नाज़रीन, रात को ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से आपकी ताकत में कमी आ जाएगी। सोने से पहले सर में कंघा कर लिया करो, आपके बाल नहीं गिरेंगे। सुबह नहार मुँह रोज़ाना 21 बादाम खा लिया करो, इससे दिमाग की कमज़ोरी चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी। अगर बदन की सूजन का कोई मसला हो तो लौकी का सालन बनाकर खाया करो, इससे बदन की सूजन में बहुत आराम मिलता है। धूप की वजह से बहुत सारी औरतों का चेहरा बेरौनक हो जाता है, ऐसी औरत को बकरी के दूध की दही बनाकर लीमू नचोड़कर रात को रोज़ाना सोते वक़्त चेहरे पर मसाज करना चाहिए। नाज़रीन, ज़्यादा गर्म चीज़ें खा लेने के फौरन बाद ठंडी चीज़ें खाने से दांत गिर जाते हैं। दो फल ऐसे हैं जो किसी भी औरत की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं, माल्टा और लीची। इन दोनों फलों से औरत जवान होने लगती है और खूबसूरत हो जाती है। सेब खाने से खून में हरकत आ जाती है और खून ताज़ा होने लगता है। कि आपको मालूम है, ठंडे कमरे में सोने से वज़न कम होने में मदद मिलती है। नाज़रीन, जब इंसान टेंशन फ्री होकर सोता है तो उसका वज़न कम होने लगता है। बकरी के दूध में सरसों का तेल मिलाकर बालों में लगाने से बाल लंबे होते हैं। अगर आप सोने से कबल शहद चाट लें तो आपको नींद बेहतरीन आएगी, और अगर सुबह उठते ही शहद चाट लें तो पूरा दिन अच्छा गुजरेगा और थकावट भी नहीं होगी। नाज़रीन, पालक खाना दिल के लिए बहुत अच्छा है। सर पर रोज़ाना सरसों का तेल लगाना दिमाग को ताकत देता है। सफ़ेद आटा मैदे के मसले बढ़ाता है और आंतों की बीमारियों का बाइस बनता है। अगर मुंह और गला पक जाए तो 1-2 दिन खुशक धनिया चूसने से
आपको शिफा मिल जाएगी। घर में बिल्लियां पालने से चूहों से निजात मिलती है और बिल्लियों को घर में पालना अच्छा समझा जाता है। चॉकलेट खाने से खांसी में आराम मिलता है। पेट में दर्द हो तो इसबगोल शामिल करके खा लिया करें, पेट दर्द जाता रहेगा। और अगर कब्ज़ का मसला हो तो ठीक हो जाएगा और मैदे के इमराज से निजात मिलेगी। अगर रोज़ाना 5 दाने अंजीर के खा लिए जाएं, तो इससे गुर्दे की पथरी निकल जाती है। सोने से पहले इसबगोल का छिलका इस्तेमाल किया करो या नीम गर्म पानी पी लिया करो, इससे गुर्दों की सफाई हो जाती है। नाज़रीन, नहार मुँह खजूर इस्तेमाल कर ली जाए तो आपको ग्लूकोज की कमी नहीं होती और पूरा दिन अच्छा गुजरता है। करेले की सब्जी का पानी चेहरे पर लगा दो, हफ्ते में चेहरा सफेद चमकदार और गोरा हो जाएगा। अगर लंबी जिंदगी गुजारना चाहते हो और देर तक जवान रहना चाहते हो तो सादा सी खुराक खाओ, इससे बहुत कम बीमार पड़ोगे और लंबी जिंदगी पाओगे। नाज़रीन, करेले का पानी चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर होते हैं। नहाने के फौरन बाद कान के पीछे तेल लगाने से दिमागी कमजोरी दूर हो जाती है। ब्लड प्रेशर के मरीज घी मत खाएं, बल्कि ऑयल का इस्तेमाल करें। बदन में ताकत पैदा करना चाहते हो तो सुबह सुबह उठकर घास पर नंगे पांव चल लिया करें, पांव में ताकत आएगी, टांगें दुरुस्त होंगी, जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा। नाज़रीन, जिनको शुगर का मर्ज हो उनको चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करवाएं। जिनको दिल का मर्ज हो उनको सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल करवाएं। नाज़रीन, सब्ज़ प्याज की खुशबू सूंघने से दिल मजबूत होता है। दोपहर के वक़्त प्याज खाने से मैदे को ताकत मिलती है और शाम के वक़्त प्याज खाने से मैदा कमज़ोर होता है। जो लोग मुसलसल डिप्रेशन में रहते हैं उनके चेहरे पर झुर्रियाँ जल्दी पड़ने लग जाती हैं। आप डिप्रेशन को कंट्रोल करना सीखें तो आपकी उम्र में इजाफा भी हो जाएगा और चेहरे पर झुर्रियाँ भी नहीं पड़ेंगी। जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं ऐसे बच्चों की याददाश्त बहुत तेज़ होती है और वो बड़े होकर बहुत ही ज़हीन बनते हैं। शाम के वक़्त केला इस्तेमाल करने से सीने में बलगम पैदा होती है और अगर दिन के वक़्त 3 केले खा लिए जाएं तो हड्डियां मजबूत होने लगती हैं। नाज़रीन, जो लोग बहुत जल्दी आपके साथ याराना बनाने में कामयाब हो जाते हैं, याद रखें ऐसे लोग ही आपको बहुत जल्दी धोखा भी देते हैं। आप अपने पौधों के गमलों में चुटकी चीनी की डालकर इनकी ज़िंदगी तावील कर सकते हैं। अगर पौधे मुरझा जाते हैं या बड़े ना होते हों तो पानी में चीनी मिलाकर पौधों में डाल दें। नाज़रीन, नींद पूरी हो जाने के बाद अगर आंखों में नींद बाकी रहे तो याद रखो यह दिमाग की कमज़ोरी है। अगर आपके सर में शदीद दर्द रहता हो तो कभी भी पालक ना खाओ, इससे सर का दर्द मज़ीद बढ़ जाएगा। गर्म चीज़ें ना खाओ जो दिल को कमज़ोर कर देती हैं और स्याह जिल्द हो जाती है। अगर जिल्द स्याह हो जाए तो सोने से कबल लीमू का रस लगा लिया करो। ठंडी बलाई का चेहरे पर मसाज करने से दाग धब्बों से चेहरा पाक हो जाएगा। जोड़ों में तकलीफ है
दर्द है तो मछली पकाकर खा लें। सर्द मौसम में मछली पकाकर खाने से जिस्म से सर्दी दूर होती है, हड्डियों को ताकत मिलती है। पेट की गैस से निजात चाहते हो तो रोजाना 2 खजूरें खा लिया करो। गैस का मसला हल हो जाएगा, पेट फूलना खत्म हो जाएगा और बदहजमी का मसला भी ठीक हो जाएगा। टांगों में ताकत चाहते हो तो 1 दाना अंजीर और 1 दाना अजवा खजूर का दूध में डालकर निहार मुंह पी लिया करो। हड्डियों में दर्द और तकलीफ हो तो हड्डियों पर जैतून के तेल की मालिश करने से दर्द हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाता है। अगर किसी शख्स को सांस की तकलीफ हो या दमे के मर्ज में मुब्तला हो तो वो सबज चाय का ज्यादा इस्तेमाल किया करे। सांस की तकलीफ में सबज चाय का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। सुबह निहार मुंह 2 दाने अंजीर के खाने से जिंदगी भर आपको कैंसर नहीं होगा, शुगर की बीमारी दूर हो जाएगी और हाई ब्लड प्रेशर का मसला दोबारा नहीं बनेगा। डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। नाज़रीन, रोजाना अंडे खाने से आपको बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। जिनकी औलाद नहीं होती वो अंडे खाया करें, यह मर्दों के स्पर्म में इजाफा करता है। शुगर के मरीजों को अंडे खाने चाहिए। अंडे खाने से इंसान के जिस्म में बेपनाह ताकत आती है और डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। नाज़रीन, बदहजमी से बचना चाहते हो तो खाना हमेशा चबा कर और आहिस्ता आहिस्ता खाया करो। चावल ज़्यादा खाने से परहेज किया करो वरना आपके जिगर को खून बनाने में मुश्किल हो जाएगी। खाना खाकर फौरी नहाया मत करें वरना आपका पेट बाहर निकल आएगा। तरबूज खाने के बाद थोड़ा सा नमक चाट लो, इस तरह बदहजमी नहीं होती। अगर आप अपने गुर्दों को तवाना रखना चाहते हैं तो सोते वक्त बाथरूम से हो लिया करें। नाज़रीन, हामिला औरत खरबूजे ज़्यादा खाती है तो उसका बच्चा गोल मटोल और गोरा पैदा होता है। सोने से पहले चहलकदमी की आदत बना लो, कभी दिल की बीमारी नहीं होगी। मीठा ज़्यादा खाने से जल्दी बुढ़ापा आता है। कच्चा दूध मत पिया करो, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। चावलों के उबले हुए पानी से बालों को धोने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। नाज़रीन, 4-5 दिन कच्चा प्याज खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। बरसात के मौसम में कच्चा प्याज खाने से आप हैजा जैसी बीमारी से महफूज रह सकेंगे। प्याज ब्लड प्रेशर, दिल और मैदे की बीमारी और फालिज के मर्ज से महफूज रखता है। कुव्वत बा को बढ़ाने के लिए प्याज का इस्तेमाल दोपहर के खाने के साथ करना चाहिए। बाकायदगी से प्याज का इस्तेमाल अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशहाल बना देता है। नाज़रीन, खून में शुगर की सतह को कंट्रोल और कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रखने में प्याज मदद देता है। दाल माश अच्छी तरह साफ करके धो लें और इसको सुखा कर पीस लें। निहार मुँह यह सफूफ 1/2 चाय का चम्मच खा लें, कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। अंजीर खाओ क्योंकि यह बवासीर को ख़त्म करता है और जोड़ों के दर्द में मुफीद है। कोई कांटा चुभे या ज़ख्म हो जाए तो मेहंदी का इस्तेमाल करो। अनार को उसके अंदरूनी छिलके समेत खाओ क्योंकि यह मैदे की सफाई करता है। 50 ग्राम अदरक, 10 ग्राम पुदीना, 50 ग्राम मूली के पत्ते 1 लीटर पानी में 2 घंटों के लिए भिगो दें।
पूरे दिन वक्फे वक्फे से लेते रहें। जिस्म की सफाई के साथ साथ वजन की कमी में मुआवन है। नाज़रीन, नहार मुँह किशमिश खाने वाले बंदे को कभी कोई बीमारी नहीं होती। हल्दी दूध में डालकर पीने से सरदर्द फौरी ख़त्म हो जाएगा। अगर ख़ारिश को दूर भगाना है तो नारियल के तेल में कफूर मिलाकर मुतासरा हिस्से पर लगाएं। 2 दिन में ख़ारिश दूर हो जाएगी और दाग धब्बे भी नहीं पड़ेंगे। नाज़रीन, ज़्यादा नमक का इस्तेमाल दिल को कमज़ोर करता है और पट्ठों में दर्द की वजह बनता है। भुने हुए चने खाने से जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरने लगे हैं तो सौंफ इस्तेमाल करें। खाने के बाद 1 लौंग खा लेने से तेजाबियत का मसला नहीं होता। औरत सोते वक्त दूध के साथ 1 खजूर खा ले तो 50 साल वाली औरत 17 साल जैसी नज़र आएगी। नाज़रीन, याद रखिए, कलेजी पाए और मगज़ में कोलेस्ट्रोल की मकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लिहाजा इमराज़े गुर्दा, इमराज़े कल्ब और शुगर के मरीज़ों को इनसे परहेज़ करना चाहिए। मेथी दाना रोज़ाना भिगोकर इस्तेमाल करने से शुगर जड़ से ख़त्म हो जाती है। बादाम खाने से दिमाग तेज़ हो जाता है और भूलने की बीमारी नहीं लगती। काजू खाने से जिल्द बहुत अच्छी रहती है। रोज़ाना इसबगोल इस्तेमाल करने से मैदे की जलन और तेजाबियत नहीं होती। जिस्म का दर्द हो तो अदरक का छोटा सा टुकड़ा लेकर साबित निकल जाओ, दर्द गायब हो जाएगा। मैदे के मरीज अफराद खट्टी चीज़ें, गोश्त और मीठी चीज़ें ज़्यादा खाने से परहेज करें। जिस घर में कच्ची रोटियां पकती हैं वहां से बरकत उड़ जाती है। नाज़रीन, रोज़ाना बेवक़्त खाना खाने से औरतों को लेकोरिया का मर्ज हो जाता है। हाथ पांव सुन हो जाने का मसला हो तो 1 चम्मच शहद और अदरक लीमू का रस 1 गिलास पानी में शामिल करके पी लें, इंशाल्लाह अफाका हो जाएगा। अक्सर औरतों की खूबसूरती के अंदर मोटापा रुकावट बन जाता है। औरतों को चाहिए कि लहसुन की 2 तुरियां लीमू के कहवे के साथ खा लिया करें, इससे इनका वज़न बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करने से चेहरे पर दाग धब्बे पड़ने का खदशा है। हबस वाली जगह पर रहने वाले अफराद के असाब कमज़ोर हो जाते हैं। नाज़रीन, टेक लगाकर खाना मत खाओ, इससे सांस की बीमारी का खदशा है। थूक फेंकने से आपका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। ठंडे पानी के इस्तेमाल से दांत जल्दी गिर जाते हैं। नीम गर्म पानी पिया करो, कभी हार्ट अटैक नहीं होता। कम मिर्च मसाले खाने से कभी मैदे की खराबी नहीं होती। नाज़रीन, इंसान सिर्फ मक्खन और आलू खाकर ज़िंदा रह सकता है, क्योंकि इनमें तमाम गजाई इंतज़ाम मौजूद होते हैं जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। लूज़ मोशन और मतली वगैरह हो तो चंद कतरे लीमू, लौंग और पुदीने का कहवा बनाकर पी जाएं। नाज़रीन, ठंडा और कच्चा दूध पीने से मैदे की तेजाबियत दूर हो जाती है। अगर इसमें शहद डालकर इस्तेमाल करें तो बेहतरीन है। बारिश के मौसम में तेज़पात के पत्ते जलाने से कीड़े मकौड़े नहीं आएंगे। गीले कपड़े पहनने से ख़ारिश की बीमारी हो सकती है। खाने के बाद सौंफ चख लिया करो, खाना जल्दी हज़म हो जाएगा।
टॉयलेट में थूकने से चेहरे पर झुर्रियाँ निकल आती हैं। अगर आप चाहते हो कि कोई इंसान सारा दिन तुम्हारे बारे में सोचे, तो रात को सोने से कबल इससे बात कर लिया करो।